बीजेपी गुजरात में षड्यंत्र रच रही है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। बता रही है कि कैसे उसे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि गुजरात के चुनाव में किस तरह से बीजेपी खेल खेल रही है। कांग्रेस को डर भी लग रहा है कि कहीं इस कथित षड्यंत्र में उसे नुकसान ना हो जाए। बोलता हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा मीडिया के सामने आए और बताने लगे कि गुजरात में क्या हो रहा है। कहने लगे कि सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को मतदान केंद्रों से दूर रहने के लिए कहा गया है। बक्सों को भी गुजरात की पुलिस के द्वारा ही स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बयान पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने रखा। हमारी सूचना है कि उन सेंट्रल फोर्सेस को हिदायत दी गई है कि आप पोलिंग बूथ से दूर खड़े रहिएगा और जब शाम को 1.5 किलोमीटर दूर और जब शाम को बक्से जाएंगे तो गुजरात पुलिस के या होमगार्ड के देखरेख में जाएं। सेंट्रल फोर्सेस का उसमें कोई भूमिका नहीं रहे। हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दे कि इस तरह की कोई भी त्रुटि अगर हुई या इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो हम सब देख रहे हैं, गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात का जो सजग मीडिया है, निडर मीडिया है, वो देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। तो अगर केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई षड्यंत्रकारी विचार है तो आज हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, इस तरह का षड्यंत्र गुजरात में कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी। कांग्रेस के आरोप तो गंभीर हैं, खासकर तब जबकि उत्तर प्रदेश के रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सीधे आरोप हैं कि प्रशासन पक्षपात का रवैया अपना रहा है, सत्ता के मन मुताबिक काम कर रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो सुना है वो सही है या गलत है। चुनाव होने के बाद कड़ी निगरानी में ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनें स्ट्रांग रूम में पहुंचाई जाती हैं और इसी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी भी लगाए जाते हैं। साथ ही इस सीसीटीवी का लिखित रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। इसमें तारीख, समय, घंटे और नाम के हिसाब से एंट्री की जाती है। हर हरकत को रिकॉर्ड किया जाता है। कई लेयर की सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा जाता है। ऐसे में सुरक्षा में किसी